हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बताऊंगा, अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि लिखकर IFSC डज नॉट मैच आवर डाटाबेस, तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, तो आज की वीडियो में इसका रीज़न बताऊंगा और सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बेरोज़गारी इंजीनियर को सब्सक्राइब करें ऐसे नए नए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए। तो दरअसल हाल ही में जब मैं अपना IFSC कोड डाल रहा था इस वेबसाइट में, इस ऐप में, तो यहाँ पे लिखा रहा था कि आप हमारे यहाँ पे ऐप से मैच नहीं करते डाटाबेस में जो रिकॉर्ड है हमारे, तो अगर आप कुछ गलत IFSC कोड डालते तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पासबुक खोलनी है और उसमें चेक करना है कि आपके जो अकाउंट में जो आपके बैंक का IFSC कोड क्या है, तो वो आपको देख कर फिर एंटर करना है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम गलत आ रही है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने कस्टमर केयर है उनसे बात करनी है, आपके जो बैंक के जो कस्टमर केयर है उनसे बात करनी है और उनको पूछना है कि इस बैंक का जो IFSC कोड है क्या। और क्योंकि कभी कभी कुछ अपडेट कर देते हैं IFSC कोड में भी, बैंक का भी अलग लिंक हो जाता है कभी क्या, तो उससे IFSC कोड भी चेंज कर देते हैं कभी कभी, तो आपको उनसे पूछ लेना है और वो आपको जो IFSC कोड बताएंगे वो आपको एंटर करना है। वो एंटर करते ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कभी कभी ये प्रॉब्लम सब भी आता है कि अगर आपके जो सर्वर डाउन होता है तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल बेरोज़गार इंजीनियर को सब्सक्राइब करें।